हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं प्रकाश चंद्र भील और आप देख रहे हैं आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म यूट्यूब चैनल। आपका चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप छोटे भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। सुनो आप सब, ये मजाक की बात नहीं है, मजाक में मत लेना किसी बात को। भाई अपन सब ये मूर्ति के लिए आए ना भाई, इसकी ये जो भी हादसा हुआ है, ये सब सुनने और समझने के लिए आए हैं। बिल्कुल न्याय के लिए आए ना, शांतिपूर्वक एक बार पुलिस प्रशासन भी यहाँ है, प्रशासन से भी बात करेंगे। उनके क्षेत्र से अलग अलग गांव से अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हुए हैं। यहाँ के यहाँ का तहसील अध्यक्ष कौन है, चौकला अध्यक्ष कौन है, यहाँ के अपनी भील समाज के नेता कौन है, अपन उनसे बात करेंगे। संतुष्टिपुर से भी बात करेंगे, पूछेंगे, छानबीन करेंगे। हो अल्लाह, झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। बेबुजुर्ग में एक बार किसी को भी कुछ नहीं कहना है। प्रशासन से व्यवस्थित तौर से बात करेंगे अपन और पूछेंगे अपना ये जो भी है बंदा। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? भूरा राम जी। अबे खाने वाले सब इधर आओ मेरे पास में, आओ आओ। सुनो, इस क्षेत्र का बताएंगे भाई, हमें हमारे को बताओ कि हम इतने दूर से आए। हाँ, क्या बात है, क्या नहीं हो? आपने देख के चले गए तो वायरल नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। सही बात है, हम आए तो अपने ही हैं के लिए आए, हम सब मिल के आए तो रिपोर्ट देंगे दोबारा। सही है, मूर्ति टूटी इसका जवाब मांगेंगे, जीते तोड़ी है अपन देंगे साथ में दे रहे हैं। कुंभलगढ़ के भी सारे युवा लोग यही हैं, पाली से आए, उदयपुर से आए, राजसमंद से आए, सभी देखे मूर्ति तोड़वा वाला है, हार मंजूर करने वाला कौन है? सही बात, सही 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 मूर्ति टूटी हुई पड़ी थी मेरे को। ठीक है, कोई पतो नहीं, मैंने खुद ने पतो नहीं है। और मैंने कह मैं मैंने कह फोटो खींच ला, ओके मारे पास फोन नहीं, मेरे को मारो लेके जा। 6 बजे वो फोटो खींचने लाए, अठारह बाद में वो अटे पार्किंग में आयो, पुलिस प्रशासन सब अटे थे। मैंने बोला सी आई साहब, क्या क्या सुना तुमने बता? मैंने बताया भाई कि एक लड़का था उदावड़ का। भाई साहब तेज बोलो, थोड़ा तेज बोलो। उसने बोला कि वो उदावड़ है, क्या नाम है? गोपाराम नाम है उसका। शेष साहब ने बोला कि उसको लेके आओ। हम गए वहाँ से उदावड़, वो मिला ही नहीं, घर पे मिला ही नहीं। अब बस इधर आए, आपके उधर एक गवार है काम, वहाँ से आधो एक किलोमीटर आगे होटल चलते है काम, वहाँ वो काम करता है। वहाँ से वो एक मोटरसाइकिल पे बैठा कर लेके आए वो थाने में, और उसने बताया कि पार्किंग में तो कोई लड़ाई हो रही थी, बस स्टैंड पे हो रही थी। मेरे को कैसे बोल रहा है? उसने मेरे को बताया कि पार्किंग में लड़ाई हो रही थी दो जने की, मैं झूठ मैं कैसे बोल रहा हूँ? फिर पीछे से मैं 2-4 लात मारी, उसके बाद में कुछ नहीं। पुलिस वाले ने मारी। वो तो बोल रहा बस स्टैंड पे झगड़ रहे थे, वो अंदर कैसे? गोपाल तो होटल पे होगा पता नहीं। पुलिस वाला क्यों?